किसान भाइयों, क्या आप अपनी फसल को इंसेक्ट्स, माइट्स और फंगस तीनों से बचाना चाहते हैं? तो इसमें आपकी मदद करेगा पीआई इंडस्ट्रीज का कीफन। कीफन एक यूनिक प्रोडक्ट है जो जापान में डेवलप हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी कीफन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका फीचर्स और बेनिफिट क्या क्या है, ये कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, इसका किन किन फसलों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे देने का तरीका कैसा होता है, इसका रेन फास्टनेस और रेसिडुअल एक्टिविटी कितना समय तक रहता है, इसका डोज कितना लेना चाहिए और मार्केट में कौन से प्राइस में मिलता है, इन सभी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक्निकल कंटेंट के बारे में। कीफन में एक्टिव इंग्रेडिएंट डोल्फेन पायरेट 15% इसी फॉर्म में होता है। इसी का मतलब इमल्सन कंसंट्रेट है। ये पायराजोल ग्रुप का केमिकल है जिसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होता है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। डोल्फेन पायरेट एक माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है। ये एग्रीसाइड और इंसेक्टीसाइड दोनों है जो कॉन्टेक्ट तरीके से काम करता है। ये पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट नहीं होता, बस हम जहाँ जहाँ स्प्रे करते हैं बस वहीं फैलता है। इसमें तीन मोड ऑफ एक्शन होता है जिससे इंसेक्ट्स, माइट्स और फंगस तीनों खत्म हो जाते हैं। ये कीटों के सेलुलर रेस्पिरेशन को रोकता है। ये कीटों के सभी स्टेजेस में बहुत ही कारगर होता है। ये अंडा, लार्वा, निम्फ और एडल्ट सभी को खत्म करता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट के बारे में। कीफन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होता है जिससे च्यूइंग पेस्ट, बाइटिंग पेस्ट और सकिंग पेस्ट तीनों के लिए हाईली इफेक्टिव होता है। ये वन शॉट सॉल्यूशन है जिसे आप माइट्स और इंसेक्ट्स दोनों को कम कॉस्ट में खत्म कर सकते हैं। कीफन का मोड ऑफ एक्शन बहुत ही अलग होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है जो और कोई भी इंसेक्टिसाइड ऐसा काम नहीं करता। ये उन कीटों के लिए हाईली इफेक्टिव होता है जो दूसरे इंसेक्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस बना लेते हैं। इसके एंटी फीडेंट एक्शन के कारण जब टारगेट पेस्ट इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो वो इमिडिएटली फीडिंग करना बंद कर देता है। ये कीड़ों को हर स्टेज में मार सकता है। ये अंडा, लार्वा, निम्फ और एडल्ट सभी को कंट्रोल करता है। कीफन का फंगिसाइडल एक्शन भी होता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्राकोनोस से भी बचाव करता है। अब जानते हैं कि इसका टारगेट पेस्ट कौन सा होता है। ये डायमंड बैक मॉथ, बॉल वर्म, टोबैको कैटरपिलर, शूट एंड फ्रूट बोरर, लीफ माइनर, एफिड्स, थ्रिप्स, जैसिड्स, माइट्स और लीफ ऑफर, इन सभी को कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसका हम किन किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, भिंडी, कॉटन, मिर्च, प्याज, टमाटर, मटर और भी अन्य सब्जी वर्गीय फसलों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका रेन फास्टनेस कितना होता है। इसके स्प्रे करने के 6 घंटे तक बारिश नहीं होना चाहिए तो ये 100% काम करता है। अगर 6 घंटे से पहले बारिश हो गया तो थोड़ा असर कम देर तक देखने को मिलता है। अब जानते हैं इसके रेसिडुअल एक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, कीफन का रेसिडुअल एक्टिविटी फसल, कीट और इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आलू के लिए 12 से 14 दिन तक काम करता है। सब्जियों में इसका असर 15 दिन तक रहता है। आम की फसल में 7 से 10 दिन तक इसका असर रहता है। अगर हम सभी फसलों के लिए एवरेज ड्यूरेशन ले तो ये 12 से 15 दिन तक इसका असर पौधों में रहता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका डोज हमें कितना लेना चाहिए। इसका डोज एक एकड़ के लिए 400 ml होता है। आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में। ये 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैक में आता है। 1 लीटर का पैक लगभग 2400 से 2500 के बीच में आ जाता है। प्राइस लोकेशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है क्योंकि हर स्टेट में इसका अलग अलग प्राइस होता है। दोस्तों, कैसा लगा जानकारी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।